स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी और इस वक्त मैं हूँ कुशीनगर जनपद के थाना निबुआ नौरंगिया अंतर्गत ग्राम सभा पटेरा खुर्द में। यहाँ पर सुबह में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उन्होंने अभी तक जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा है। क्या आरोप है? जैसे सुबह में इनका बगल के ही लोग से झगड़ा हुआ है, इनका आरोप है कि उनसे हमारा पुराना विवाद चल रहा था, उन लोगों ने झड़प किया है, जिसकी वजह से जो परिजन है और उनका हार्ट अटैक हो गया है। तो आरोप क्या है और घर के लोग क्या कह रहे हैं, घर के लोगों से ही जान लेंगे। क्या नाम है आपके? जिनकी चंदा मृत्यु हुई है क्या नाम? वहां तो हमर बाबू एक मखी चढ़िया के लगाए से डगडरी में गोरखपुर लेके भर्ती बने, झूठ में फंसा दिए लोग हमर बाबू के जेल में दुआरी पर उतना मर गिरा वाले बालो है कि वाले बालो हमर बाबू ने 1 महीना 1.5 महीना से जेल लेके गोरखपुर पैसा बढ़ाना लेके धावा तड़े एक में दू को फंसा होता लोग कबो को लोग घर में घुसा लाना कबो को नंबर के रहे बालो कबो को कि हम ये लोग के उसका उसका इस जो मृत्यु हुई है उससे क्या मतलब है? अब उनसे कुछ उनको होता लोग कि हमें मुंह आए लोगन के जेल ठेकाई भाई करो भाव करो अभी अब करे बस तो हमर बाबू के जेल भेज दल वाला हमर बाबू के कारण है टेक हो गल एरिया के रोज पूजा था हमर बाबू कहां बा जिनकी मृत्यु हुई है। हाँ, महात्म वो आपके कौन है? मर्दा हाँ क्यों कैसे मृत्यु हुई है उनकी? हम कहानी पानी ले पानी आने गए नहीं तो लेके आते नहीं पिया तो नहीं तो लोग तो हमारा आ जाए बोला दे वो चला आ जाए बोला उनको आता नहीं हमें देखा राम जाता नहीं तो लोग परन में निकल गए है आ जाए के पुकार में एकदम रात दिन रहा है कि हमारा जाए बोला लोग लोगों का आरोप है कि सुबह किसी से झगड़ा भी हुआ है। किससे हुआ? करोड़ी घर है हाँ तीन जने दो जने वो बालो तीन जने इनके घर के बालो वो लोग आके झगड़ा कर रहे थे। हाँ हाँ ये लोग इनके मुंह आए भाई करो भाव करो। बॉडी आप लोगों ने क्यों रोक रखा है? लाश जो आपने दरवाजे पर रखा है क्यों रखा है? क्यों नहीं पोस्टमार्टम के लिए क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं खेल सुना अब क्यों नहीं खेले कोई? यहाँ पे गांव के लोग हैं, गांव के ग्राम प्रधान है, वो भी इनके सहयोग में है, पुलिस प्रशासन भी है, वो भी सहयोग में लगी हुई है कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाए। फिलहाल हमारे बाबू का कहे जी जी किस तरह से मतलब कहाँ है आपके बाबू जो जेल में है? इनके घर से बगल के ही लोगों से झगड़ा हुआ था और 354 का मामला था छेड़खानी का, उसी आरोप में इनके बाबू जो है जेल गए हुए हैं। तो उसी में इन लोगों का झगड़ा हुआ है और इनका आरोप है फिलहाल या तो जांच का विषय है कि मौत का कारण क्या है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलेगा, किंतु परिजनों का आरोप है कि झगड़ा की वजह से जो है उनकी तबीयत खराब हुई है और मृत्यु हो गई है। क्या है आपका छोटे कुशवाहा? हुआ क्या है, क्यों आप लोग बॉडी को रोक के रखे हैं? हम लोग सुबह गए थे खनियाल पे तो सुबह हम देखे इनको सही है, अच्छे हैं, खाए पानी भी पिए हैं, खाए भी हैं, आए हैं हम लोग खनियाल से, उधर से हम लोग का घुट्ठा है वहाँ पर है, उधर से आए हैं तो पता चला है कि घर में घुस कर लोग मारपीट कर किए हैं उनसे। कौन लोग? चाची वो कामेश्वरी मिश्रा और 3-4 लोग थे, यही पता चला है। आए हैं तो उसके बाद से देख रहे थे चाचा लेटे हुए थे जमीन पे। क्या नाम है आपका? छोटे कुशवाहा। आप उनके भतीजे हैं? हाँ, के हाँ। लोगों का परिजनों का आरोप है कि जो जिनसे पुराना इनका विवाद है वो लोग घर में घुसे और झगड़ा किए हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। फिलहाल यह जांच का विषय है। गांव के लोग भी हैं, गांव के ग्राम प्रधान है, उनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं और कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं यहां पर उनसे भी पूछ लेते हैं। बैजू कुशवाहा, महात्म कुशवाहा जिनकी मृत्यु हुई है, आपके कौन है? चाचा। क्या हुआ? यही पुरानी रंजिश के चक्कर में गाली गलौज में हमारे घर में घुसे थे। आप लोगों का वही अचानक तबीयत बिगड़ गई और मृत्यु हो गई। अभी आप लोगों ने बॉडी रोक रखा है, क्यों रोक रखा है, कारण क्या है? यही हम लोग को इंसाफ नहीं। तो बॉडी रोकने से इंसाफ तो मिलने वाला नहीं है जब तक आप पोस्टमार्टम ना कराएं, साक्षी खुल के नहीं आएगा। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन लिए पंचनामा आना है, क्या कर रहे हैं? पंचनामा होगा उसके बाद पोस्टमार्टम में जाएगी। क्या लिखा गया है, क्या आरोप लगा रहे हैं? जो है घर में घुस करके मारे पीटे हैं, पीड़ा पर बुरा हाल है, घर के मुखिया की मृत्यु हो गई है और सरासर परिजनों का आरोप है कि झगड़ा हुआ है और झगड़े से आहत होकर उनको हार्ट अटैक हो गया है। फिलहाल ये जांच का विषय है, पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा कि हार्ट अटैक हुआ है या फिर कुछ और कारण है, क्योंकि जैसा कि उनकी पत्नी ने उन्होंने बताया है कि पहले से भी तबीयत खराब थी, तो कारण कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ कुशीनगर जनपद से। जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी।